भी अगर गोल हो जाए ना हाँ, तो नसर वाले को पीछे छोड़ दे छोड़ देता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग कैटल पाकिस्तान। भाई जुम्मे का दिन है, शाम हो चुकी है और हल्का हल्का जो सूरज है वो दिख रहा है, सामने बादलों में छुपा हुआ है। आज बादल ही बादल हो रहे हैं मेरे पीछे, अगर आप देखें तो बादल ही बादल दिख रहे हैं, शायद आपको दिख रहे हो या नहीं दिख रहे हो। बाकी जो है वो कुछ मेहमान भी आए हुए हैं फार्म के ऊपर और मज़ीद जो है वो आने भी हैं, कॉल वगैरह आ रही हैं, तो इंशाल्लाह देखते हैं जितनी वीडियो बनती तो इंशाल्लाह बनाएंगे भाई। और इंशाल्लाह एक अनाउंसमेंट भी है तो आगे चल के आपको सुनाते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और एक बछड़े का नाम भी रखना था तो कमेंट्स वगैरह बहुत लोगों के आए थे, तो इंशाल्लाह जो उसका नाम भी आज रखते हैं और बताते हैं कि उसके हवाले से क्या न्यूज़ है। कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। चले भाई, काफ़ी जो है वो मेहमान आए हुए हैं, पीछे जो है वो दिख रहा होगा आपको, मगरिब भी होने वाली है। मैं सोच रहा था वीडियो करूं या नहीं करूं, यह है कि अभी दो दिन में ही वीडियो कंप्लीट होगी क्योंकि इतना तो वक्त मिलेगा नहीं। बाकी हमारे पास आए हुए हैं शहजान भाई हसबी कैटल फार्म से। क्या हाल है शहजान भाई, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। कैसी लगी आपको जगह, जानवर वगैरह? माशाल्लाह से अच्छी जगह, अल्लाह पाक बरकत दे, मेहनत करें हम लोग, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, दिख रहा है माशाल्लाह से। आमीन आमीन। अच्छा अच्छा माल आ रहा है, अल्लाह पाक इसी से बरकत दे। बाकी जीशान भाई को तो माशाल्लाह पता अच्छे रहते, जानते हैं किस तरह से माल को पालना है क्या करना है, और अच्छा रूटीन दिया हुआ है माल को, अच्छा रूटीन है अलहमदिल्ला। बाकी नस्ल वगैरह कुछ बताएं जानवरों की निगाह के हिसाब से? देखिए मैं पता क्या कहता हूँ, जो मेरा एक चीज़ माननी है ना, बंदा नस्ल रखे वर्थिट होता है, मगर ये है कि नस्ल हो ना हो, बस माल के ऊपर जान मारे, माल अच्छा खाएगा खुलेगा और पलेगा। बिल्कुल ऐसी नसीब की बात है, क्या एक्सपीरियंस कर करके सीखे कि भाई बेनस्ली भी अगर गोल हो जाए ना हाँ, तो नस्ल वाले को पीछे छोड़ दे छोड़ देता है, मतलब खाया हुआ दिखता है, खाया हुआ दिखता है। चलें थोड़ा बहुत शौक करा रहे हैं शहजान भाई को, वैसे तो उनके पास एक से एक नगीना है, हमारे पास तो अभी कुछ नहीं है इतना, बाकी फिर भी अल्लाह का शुक्र है। ये बछड़ा देखें चैम्पियन, और उसके हवाले से एक न्यूज़ है इंशाल्लाह वो भी देता है। बाकी जो है वो कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा बहुत आपको शौक ही दिखा दें। चलें भाई आज तो जो है वो जैसे वो जोकी होता है ना हॉर्स राइडिंग का, वैसे जो है वो धनी का कोई नाम दे देते हैं हम, कोई जो धनी चला सकते हैं, तो वो आप लोग ही हैं भाई, हम तो नहीं चलाते इनको। और सुना है कैसा चल रहा है आपका नया फार्म जो आपने लिया भाई? यासिर भाई को बहुत मुबारक, इन्होंने अपना फार्म जो है वो कर लिया। और आ गए जानवर यासिर भाई आपके? हाँ अभी कुछ उतरे, कुछ उतरे। अच्छा माशाल्लाह, अपने वाले उतरे या पंजाब से उतरे? अच्छा अच्छा, ये देखें भाई, ये इनकी जो है वो रोज़ाना की जो है वो जब जब आते हैं, रोज़ाना की तो नहीं खैर, जब आते हैं फ्राइडे को ज़्यादातर आते हैं, फ्राइडे या संडे, तो इनकी जो है वो रेस चल रही होती है जानवरों की ना, सारा हज़म करवा देते हैं यासिर भाई अपने जानवरों को, जो जो खाया हुआ होता है। हाँ ये देखें भाई माशाल्लाह। चले मगरिब की अजानें हो चुकी हैं यार, दो दिन मैं जो है वो करके डालूंगा वीडियो अगर हुआ, क्योंकि मेहमान आए हैं तो अच्छा नहीं लग रहा। तो भाई बात दरअसल ऐसी है कि दो दिन में हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो रही है, कल असल में जो है वो काफ़ी सारे मेहमान आए हुए थे और आज भी मेहमान आए हुए हैं माशाल्लाह से। और ये है कि जब जब मेहमान आते हैं तो हमारी वीडियो जो है वो दो दिन में कम्प्लीट होती है, जुम्मा हफ्ता इतवार जो है ना ये बड़े बिज़ी गुजरते हैं हमारे माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जो है वो रश होता है फार्म के ऊपर। कल भी जो है वो शहजान भाई आए हुए थे हसबी कैटल वाले, उन्होंने जो है वो माल वगैरह देखा, काफ़ी अच्छा लगा उनको माल, फिर वहाँ पर हम भी गए थे, तो इंशाल्लाह उनका एक व्लॉग आएगा आगे चल के। बाकी जो है वो बहुत सारा सामान लेके आ गए थे यार, वो तकरीबन जो है हमारी दावत ही कर दी उन्होंने एक तरह से जो है वो, और घर पहुँचे हम रात को जो है वो 11:30 बजे, क्योंकि उनके फार्म पर भी गए हुए थे और काफ़ी अच्छी जो है कैटेगरी उन्होंने भी जमा की हुई है। बाकी अभी जो है वो फार्म के ऊपर एक न्यू एंट्री हुई है, वो भी आपको दिखाते हैं, और पीछे जो है माल मेरा आपको दिख रहा होगा बंदा हुआ भाई। देखिए माशाल्लाह सफाई नस्ते ईमान है। बाकी जो है वो कंटिन्यू करते हैं, कुछ अपडेट देनी थी कल की वीडियो में वो भी आपको नहीं दे सके यार, और अभी एक और जो है वो एंट्री हुई है वो भी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह आगे चल के क्या एंट्री है क्या नहीं है। मौसम बड़ा जो है वो सुहाना सा हो रहा है, बादल बादल छाए हैं सारे, और शाम का टाइम है। बाकी जीशान भाई को आज बोलूँगा वीडियो कम्प्लीट करवानी है। जीशान भाई तुमने दो दिन होगा वीडियो कम्प्लीट नहीं हुई यार हमारी, और मेहमान भी काफ़ी आए हैं, आधे यहाँ पर खाते में खड़े हुए हैं, आधे जो है वहाँ पर हैं, तो उनको भी थोड़ा वक्त देते हैं यार, और इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। रिहान भाई टेबल वगैरह लगा रहे हैं भाई, टेबल सज गई है, रोज़ का जो है वो मामूल है रोज़ का मामूल बन गया है, और अब लोग आप जैसे जो हमारे मेहमान आते हैं ना, जो भाई आते हैं, वो मोटा करवा देंगे हम लोगों को, आधे से ज़्यादा करवा दिया है दानिश भाई,
और करवा देंगे। अरे हाँ भाई, दानिश भाई का तो पकवान सेंटर है, याद कर रहा था रेहान तुम्हारा। आपने क्या करा अपनी शादी? बताता हूँ, कैमरा बंद। तो भाई माशाल्लाह से दानिश भाई आए हैं, और दानिश भाई आपने आके जानते ही होंगे, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, पांडे जी के ओनर। पांडे जी तो खुद कुर्बान कर दिया था दानिश भाई ने घर पे। बाकी दानिश भाई सब में पहले बताएं, फॉर्म के जानवर आपको कैसे लगे? बहुत बेहतरीन लगे माशाल्लाह। आपका जिशान भाई का शौक देख के भाई मैं आया हूँ खुद देखने के लिए, और जब मैं आया तो मेरी खुद तबीयत बहुत खुश हो गई माशाल्लाह। सही, जानवरों की पलाई वलाई भी बेहतरीन जा रही है माशाल्लाह। हाँ जबरदस्त, मैं वीडियो में देखते रहता हूँ पलाई में। अच्छा, वीडियो में और जानवर लाइव देखने में क्या फर्क है? देखने में मजा है, वीडियो में नहीं नजर आ रहे होते ना जानवर, जो लाइव की बात है वो अलग है। अच्छा दानिश भाई, ये बछड़ा मैं लेके आया था, और ये हमारे कुर्बानी वाले भाई को दिया है मैंने, और ये सोल्ड हो गया बछड़ा, ये तो हमने बताया ही नहीं है। यही बताना था, यही बताना था भाई, ये बछड़ा सोल्ड हो चुका है कुर्बानी लवर। ये वीडियो जो है वो 3 दिन बाद बन रही है आने के, और ये उसी रात सेल हो गया था। जिस दिन अनलोड किया था उसी रात को ये सोल्ड हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी लवर्स को दिया है। और देखना ये है कि अगर ये बछड़ा इस साल दांत कर गया तो भाई अल्लाह के यहाँ कुर्बान हो जाएगा कुर्बानी पे, और नहीं करा तो इंशाल्लाह इसको फिर 25 तक पालेंगे। बाकी उम्मीद है मेरे को अल्लाह पाक ये दांत कर जाएगा जहाँ तक। अच्छा, एक और बात भाई कि जो है वो ये बछड़े का ओनर से मैंने एक सजेशन मांगी थी, तो उन्होंने जो नाम बताया था, इत्तेफाक की बात है कि जब हमने जो है वो वीडियो डाली तो सबने जो है वो वही नाम सजेस्ट किया, इसका लाल बादशाह जो है इनकी उन्होंने जो है नाम रखा है, और लाल बादशाह रिहान भाई भी बोल रहे थे जब आया था, इसका लाल बादशाह रख दो, तो ये लाल बादशाह जो है वो नाम इसका डिसाइड हो, और अब ये कुर्बानी लवर को दे दिया है, और ये अब उन्हीं की मलकियत है। और बस दुआ कीजिएगा कुमार कुर्बानी के अमल तक जो है वो साथ खैरियत से जो है वो रहे। माशाल्लाह से बच्चा बहुत अच्छा है, और अभी कच्चा खीरा है भाई, एज का भी पूछ रहे थे लोग। दानिश भाई से रिव्यू लेते हैं, दानिश भाई। नहीं नहीं माशाल्लाह बच्चा बहुत अच्छा है, वो नस्ल भी अभी ये जिशान भाई और निकालेगा, अपने नस्ल भी निकालेगा, बनेगा भी तो आया है, पार्टी शुरू हुई है, 15 दिन जरा वंडा तो जाए अंदर इंशाल्लाह। भाई माहौल जो है ना सबसे अच्छा माहौल है, एनवायरनमेंट है माल के लिए, देखो माल उससे खुश रहता है ज़्यादा, हकीकत बात है। बड़ी मस्तियाँ कर रहा है रिहान भाई, इसकी कल मोरी चेंज कर देना बस भाई, ये बड़ी जहर सी लग रही है मुझे, हरी हरी जो है ना ऊपर रिहान। अरे भाई कैसी मस्तियाँ कर रहा है कल यार, इसके डिवॉर्मिंग कराते हैं फिर इसकी मोरी चेंज करा के इसको नथ भी डाल देते हैं। नथ नहीं डालो इसको, नहीं डालनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें देते हैं, कुछ चीज़ें देते हैं, फिर वो मुँह नहीं दे, कल्ला नहीं खोलता। हाँ ये भी यार, दूध वगैरह चलता है तो उसमें आसानी होती है, नकील हो तो बछड़ों की वरना करते हैं, और बाकी जो है वो हवा नथ डालते हैं, नथ को लेते नहीं है मोरे पे, नथ को जब आजाद छोड़ते हैं बस, वो ऐसे काम में आती है कि जब मुंह खोलना हो, काबू करना हो ना कि भाई कोई चीज़ मसाला देना है या दूध देना है या घी देना है, तो वो फिर वो आसानी रहती है उसमें, ये सारा मामला। भाई मज़ा आया बच्चा देख के, बहुत खुशी हुई भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे डायमंड अच्छी हो, ले जाओ भाई इसको। बाकी भाई हवा बड़ी तेज चल रही है यहाँ पर, और गड़ाप का हमने ये सुना है कि वहाँ पर तो आज भाई ओले वगैरह पड़े हैं, ये गड़ाप से ही आए। दानिश भाई गड़ाप में क्या हुआ है आज? ओलों के साथ बहुत बारिश, और बारिश अभी निकालते थोड़ी देर पहले ही रुकी है। ओए ओए रियान, इन्होंने दानिश भाई ने हमें रिपोर्ट दी भाई कि जो ओले पड़ रहे हैं वहाँ पर, और यहाँ भी अब आज हवा तेज चल रही है। हाँ हवा तेज चल रही है, वहाँ पे ओले पड़े हैं भाई। दानिश भाई ने जो है ना गड़ाप में फॉर्म ले लिया माशाल्लाह, इन्होंने भी अपने जो है ना एंट्री दे दिए गडाब में। इंशाल्लाह राउंड लगा तो इंशाल्लाह दानिश भाई चक्कर जरूर लगाएंगे आपके पास। और एक अनोखा जानवर भी पालना दानिश भाई, जो पूरा काला गुलाबी नाक, गुलाबी नाक जो कि मेरे ख्याल में कराची में शायद ही किसी के पास होगा। वैसे आजकल नहीं है ना दानिश भाई, मैंने तो नहीं देखा पंजाब कराची घूमने में अभी तक। इंजेक्शन आ गए, काली नाक को गुलाबी हो रहा है भाई, इंजेक्शन भी आ गया गुलाबी नाक भी। वो तो हमारी एक साल पुरानी, वो तो एक साल पुरानी वीडियो में भी है, वो तो जेनिया ने खैर। लेकिन नोज के अलावा भी इसकी चंद चीजें ऐसी हैं जो खुर वगैरह गुलाबी है, ब्लैक नुकरा, ब्लैक नुकरा आ गया भाई, सही बात है। थोड़ा बच्चा गर्म कराओ, चले थोड़ा बहुत जो है वो शौक दिखा रहे हैं भाई दानिश भाई को, छोटा मोटा सा शौक है हमारा। और इससे 20 ही है अभी अच्छा माशाल्लाह, वजन में भी, वजन में ऊपर ही है अच्छा माशाल्लाह, बाकी नाप में कम है, घी क्वालिटी अगर साफ साफ रखो ना नेक क्लीन करके बराबर भाई हो जाएंगे। बस बस रुक, बाकी माशाल्लाह भाई डॉन हमारा, डॉन भी जो है माशाल्लाह चोलिस्तानी में बच्चा ही अच्छी प्रोग्रेस पे चल रहा है। कलर कैसा है? जेट,
ये मट्टी अगर उड़ाता है ना अपने ऊपर तो ये मट्टी ऐसा लगता है, फिर वो ब्राउन ब्राउन शेड आ जाता है। शाइनिंग वाला माशाल्लाह से कलर है। इसका नाम रखा दानिश भाई मेरा डॉन। ये अमेजिंग कैटल फार्म का डॉन है माशाल्लाह। और ये देना है कुर्बानी वाले को इंशाल्लाह। अब बहुत मांगा मेरे से फार्मरों ने के लेके जाएंगे, मैं कहा लेके जाने वाली तो कहानी है ही नहीं, यही पालेंगे की ख्वाहिश है इसकी। लवर्स को चाहिए तो वो दे देंगे, पर पालेंगे खुद तैयार करके भी देना, उसको पता चले कि हमने क्या बनाया था और क्या दिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ले जा रहे हैं भाई इसको। चलें बस दोस्तों, और भी जो है मेहमान आए हुए हैं, और जो है वो वहाँ पर भी बैठे हुए दिख रहा होगा आपको पीछे, तो बस जो है वो वीडियो को एंड करते हैं। मट्टी मट्टी बहुत घुस रही है आँखों में क्योंकि आंधी आंधी सी हो रही है यहाँ पर ना, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे आपसे वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। हाँ मेहमान जो है वो आते हैं, काफ़ी जो है मेहमान आते हैं तो भाई लोग आ जाते हैं। अब अच्छा नहीं लगता है कि मोबाइल उठा के हम अपने अलग से वीडियो बना रहे हो, ब्लॉगिंग कर रहे हो। अब जाहिर बात उनको टाइम देना पड़ता है, तो अब ये है कि थोड़ी थोड़ी कभी कुछ बन जाती है, कभी कुछ बन जाती है, तो वो फिर एक वीडियो एडिट करके डाल देते हैं इंशाल्लाह। बस ये है कि कोशिश यही है कि आप जल्दी आए और अपनी कंट्री अपडेट प्रॉपर दे के फिर हम मेहमानों को वो तो दिखा दो। न्यू एंट्री का बोला था मैंने, जो न्यू एंट्री चीख रही है पीछे, चलो दिखा देते हैं।